हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर और इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बस एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कैलेंडर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसे आल पे कर दीजिएगा ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कैलेंडर चैप्टर करने से पहले आपको कुछ कोड है जो याद करने होंगे। वैसे तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बिल्कुल रटा दूंगा कि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा माह का कोड, जो मंथ का कोड होता है। तो ये साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो ये इनके कोड दिए हुए हैं, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। कैसे याद करना है, आप तीन तीन के पेयर बना लीजिए इस तरह से ताकि याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद करना है 144, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, जीरो लगा के आपको 25 बना देना है, फिर 6 का स्क्वायर जीरो लगा के 36 बना देना है, और लास्ट में जो सबसे पहले हमने 144 किया था उसमें 2 ऐड कर देने हैं, 146। फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग में 144, फिर 5 का स्क्वायर जीरो आगे लगा के 25, फिर जीरो लगा के 6 का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर और फिर लास्ट में 146। सबसे पहले वाले में 2 ऐड कर देने हैं, 146 हो जाएगा। ये है फ्रेंड नॉर्मल ईयर के लिए, और जब लीप ईयर हो तो इसका सिर्फ आगे का जो 2 मंथ है उनका कोड चेंज होता है। जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। लीप ईयर आप सभी को पता है कौन सा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या है, 1600 से स्टार्ट हो तो उसका कोड होगा 6, 1700 से स्टार्ट हो तो उसका कोड 4, 1800 से स्टार्ट हो तो उसका कोड हो जाएगा 2, 1900 से स्टार्ट हो तो उसका कोड हो जाएगा 0 और 2000 से स्टार्ट हो तो उसका कोड हो जाएगा 6। फ्रेंड ये सीरीज़ इस तरह ही रिपीट होती चलती है, आगे फिर 4 आ जाएगा कोड, फिर 2, फिर 0, फिर 6, इस तरह से रिपीट होगी। तो चलते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। तो ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, सबसे पहले डेट, उसके बाद जो मंथ दिया है उसका कोड, फिर ईयर, उसके बाद लीप ईयर और उसके बाद सेंचुरी कोड बटे में 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको शताब्दी कोड के बारे में और बता देता हूँ, अगर आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। शताब्दी बटे में इसे 400 से डिवाइड करना है। अगर आपके पास जो शेष है वो 0 बचता है तो आपका कोड हो जाएगा, तो कोड हो जाएगा 6। इसी तरह अगर आपको 9वीं शताब्दी निकालनी हो तो क्या करना है, 900 बटे में 400, तो इसको हम जब काटेंगे तो 100 शेष बचेगा तो इसका कोड हो जाएगा 4। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 100 शेष बचे तो कोड हो जाएगा 4, 200 शेष बचे तो कोड हो जाएगा 2, अगर 300 शेष बचे तो कोड हो जाएगा 0।
इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 23वीं शताब्दी का कोड निकालना हो तो आपको 2300/400, और इसे जब हम काटेंगे तो 300 बचेगा शेष, तो इसका कोड हो जाएगा 0। इस तरह से आप शताब्दी कोड है जो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? तो इससे पहले सबसे पहले आपको बताना था, सॉरी वो भूल गया, आप लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का जो कोड है वो इस तरह से लिखना है, सिंपल है। यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 0। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रिक क्या था, सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ, उसके बाद ईयर लिखना है, उसके बाद लीप ईयर कितने हैं, और उसके बाद जो शताब्दी लिखनी है और उस बटे 7 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं सोल्व। इसमें क्या दिया हुआ है, 26 जनवरी, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे 26, उसके बाद मंथ का कोड। तो मंथ हमें पता था जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या था, 144, 025, 036 और 146, यही था। मैंने कहा था तीन तीन का हमें पेयर बना लेना है, सबसे पहले 144, फिर 5 का स्केयर, फिर 6 का, और फिर 2 ऐड कर देना है, 146। तो देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी का कोड हमारे पास आ गया 1। उसके बाद हमें लिखना है ईयर, तो ईयर हमारे पास है 1950, लास्ट 2 डिजिट ही लिखनी है आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ 50। उसके बाद लीप ईयर, तो लीप ईयर इसे कैसे चेक करते हैं, इसे हम जो लास्ट में है 50 उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 12 चौक 48। तो हमें पता चल जाएगा इसमें जो लीप ईयर है वो कितने हैं, 12, तो यहाँ 12 लिख देता हूँ। उसके बाद शताब्दी कोड, तो शताब्दी कौन सी है, 1900 वाली है, तो 1900 का कोड क्या था, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और बटे में 7। अब इसे हल कर देते हैं, तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 89, और इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, काटने के बाद शेष बचेगा, ये 12 पे चले जाएगा और बचेगा 5, जो हमारा शेष बचेगा। तो 5 पे देखते हैं क्या आता है, ये देखिए, तो 5 पे जो वार आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर 18 मार्च 2002 को सोमवार था तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन या वार होगा, इसे हम कैसे हल करेंगे? तो फ्रेंड एक बात आपको याद रखनी है, अगर शताब्दी है जो सेम आ जाए, 2000 वाली है, तो आपको कोड है जो नहीं यूज करना। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर शताब्दी है जो सेम आ जाए तो आपको क्या है, कोड है वो शताब्दी का वो यूज नहीं करना। तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस शताब्दी सेंचुरी बटे में 7। तो क्या है, शताब्दी तो हमें यूज करनी नहीं,
तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू, 18 मार्च का 18 प्लस मंथ मार्च आ रहा है तो कोड क्या था, 144025036 और 146 जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कोड क्या है 4 प्लस ईयर देखनी है तो क्या है पीछे 2 प्लस उसके बाद जो क्या था लीप ईयर, इसमें कोई नहीं है और शताब्दी कोड भी नहीं है तो 0 लगा देता हूँ, बटे में 7। अब इसे हल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 24 बटे में 7, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद 7 या 21 और बाकी बचेगा 3। अब 3 शेष बचता है तो देखते हैं क्या था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 और 0। तो 3 पे कौन सा दिन आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे यानी मंगलवार आ रहा है यहाँ पे, मंगलवार। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सोमवार, यहाँ पे आ रहा है मंगलवार और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18 मार्च 2002 को क्या था, सोमवार। तो हम इससे एक पीछे चले जाते हैं, सोमवार पे एक इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 18 मार्च 2002 को क्या था, सोमवार। तो इस तरह से हमने इसे एक पीछे किया है, इसी तरह इसका भी निकाल के हमें क्या करेंगे, उसका भी एक पीछे कर देंगे ताकि हमारा आंसर सही आए। तो देखते हैं 15 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा, इसी तरह सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो क्या है, 15 डेट पुट कर दी, फिर मंथ मंथ करेंगे तो इसमें क्या है, मंथ का कोड मंथ दिया है सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसका कोड है 6। उसके बाद क्या पुट करना था, ईयर, तो लास्ट में दिया है 7 पुट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लीप ईयर कितने हैं, तो 4 को करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, ज़्यादा चला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या है, एक है जो लीप ईयर है। और शताब्दी कोड हमें पुट नहीं करना क्योंकि शताब्दी दोनों में सेम है, सेम शताब्दी हो तो शताब्दी कोड पुट नहीं करना हमें, बटे में 7। तो इसे हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 29 और बटे में 7, इसे हल करेंगे 7 चौका 28 और हमारे पास बचेगा 1। अब एक बचा है तो एक पे हमारे पास है संडे, पर हमें क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें से एक माइनस करना है तो संडे में से एक माइनस करेंगे तो ये चला जाएगा सैटरडे पे, शनिवार पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन था, शनिवार। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था, अगर 18 मार्च 2002 को सोमवार है तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, हमने फॉर्मूले में पुट किया। और एक बात हमें याद करनी थी कि जब शताब्दी कोड सेम आ जाए तो वो हम इस फॉर्मूले में पुट नहीं करेंगे, तो 18 मार्च का 18, उसके बाद मंथ क्या था, मंथ का कोड था 4, उसके बाद ईयर कौन सा था, पीछे 2 था, 2 लगा दिया, पीछे 2 डिजिट हैं वही उठाने हैं, उसके बाद लीप ईयर कोई भी नहीं है और शताब्दी को हमें पुट नहीं करना था, बटे में 7, तो टोटल करके आ गया 24/7। इसे जब काटा तो 7 21 और शेष बचा, सॉरी 3 पे गया तो क्या है, 3 पे कौन सा था, 3 पे था मंगलवार। मंगलवार पे देखते हैं तो मंगलवार के क्वेश्चन में हमें दिया था सोमवार, तो हमें मंगलवार से एक पीछे जाना था सोमवार बनाने के लिए तो हमने इसमें से एक माइनस किया। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ा, 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, सेम उसी तरह फॉर्मूले के अंदर पुट किया, 15
प्लस मंथ प्लस लीप ईयर और प्लस जो शताब्दी थी वो तो ऐड नहीं करनी, बटे में 7, तो टोटल किया 29/7 बना। इसे जब काटा 7 चौके 28 और बाकी बचा 1। तो 1 पे हमें पता था कि संडे आता है, पर हमें क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करना था। तो संडे में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा सैटरडे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया कि 15 सितंबर 2007 को क्या था, शनिवार था। आई होप आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड अब मैं बताता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बस आपको इतना याद करना है कि डेट कौन सी है दी हुई है, जो डेट दी होती है उसे पहले ही आपको 7 से डिवाइड कर देना है। डेट जो भी दी हो उसे पहले ही आपको 7 से डिवाइड करना है, जो भी शेष बचे वो आपको माइंड में याद रखना है। उसके बाद मंथ का कोड, ये तो आपको 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, उसे भी 7 से डिवाइड करना है। अगर ना हो तो इस डेट में जो भी शेष बचे उसे ऐड करके साथ साथ में 7 से डिवाइड कर देना है। फिर जो भी शेष बचे उसको कैरी रखना है। फिर क्या करना है, ईयर देखना है, पीछे जितने भी आते हों उसे फटाफट 7 से डिवाइड कर देना है। अगर ना हो तो शेष जो बचा है उसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। फिर जो भी बचे उसको माइंड में याद रखना है। फिर लीप ईयर चेक कर लेने हैं, लीप ईयर 4 से डिवाइड करके कितनी बार जा रहा है उसे भी ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। और शताब्दी कोड है उसे भी ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा कि इसका आंसर क्या बन रहा है। ये सब आपको याद नहीं करना, बस ये आपको समझाने के लिए था। एक दो बार आप इस तरह से करके देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो सिर्फ डायरेक्ट आपको 7 से डिवाइड करते जाना है सबको ऐड करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 अप्रैल 2007 को अगर बुधवार है तो 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो शताब्दी सेम हो तो उसका कोड हम नहीं यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला था डेट मंथ ईयर लीप ईयर प्लस जो शताब्दी बटे में 7, तो ये हमारा इससे आंसर आ जाता है। तो देखते हैं, डेट हमारे पास दी है 4, 4 के अंदर जो मंथ दिया है, मंथ है अप्रैल, तो क्या था 144, 025, 036 और 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का क्या है, 0। उसके बाद ईयर देखते हैं तो 7 है। उसके बाद लीप ईयर देखते हैं तो लीप ईयर 1 आ रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो 4 एकम 4, 4 पे जाएगा। बटे में शताब्दी कोड हमें यहाँ पे नहीं भरना था, बटे में 7, तो करेंगे 8 और 4 12, बटे में 7 काटेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 और 5 12, शेष बचेगा 5। तो देखते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 और 0। तो 5 पे क्या आ रहा है, एतवार सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार, तो आ रहा है वीरवार है जो यहाँ पे आ रहा है, पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, बुधवार। तो उससे क्या हम 1 माइनस करेंगे तभी वेडनेसडे आएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट हल करके देखते हैं, 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं 9, उसके बाद मंथ क्या है, मंथ अक्टूबर दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड था 1। उसके बाद ईयर देखते हैं 8, उसके बाद लीप ईयर देखते हैं तो 2 है, शताब्दी कोड हमें पुट नहीं करना, बटे में 7, तो ये 10 और ये भी 10, ये हो जाएगा 20/7। इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और बाकी बचा 6। अब 6 पे आ रहा है फ्राइडे, पर हमें इसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, थर्सडे है जो हमारा सही आंसर आ जाएगा, एतवार सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार, तो क्या है,
वीरवार है जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कि 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा, तो वो होगा वीरवार। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या करना था। शताब्दी कोड अगर सेम आ जाए तो वो फॉर्मूले में पुट नहीं करना। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है आपको वैसे याद हो जाएगा, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और शताब्दी। कोड हमें पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पुट करते जाना है और 7 से डिवाइड करते जाना है, इजीली निकल जाएगा 5 आ गया था। पर 5 पे क्या था, या वीरवार था पर हमें दिया है बुधवार, तो एक माइनस कर दिया था बुधवार बनाने के लिए। इसी तरह इससे जो आंसर निकलेगा, 6 आया था कोड, उसे एक माइनस कर दिया, तो वीरवार है हमारा सही आंसर आ गया। एक सवाल है आपके लिए, इसे आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो आपके लिए सवाल है कि 23 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर है जो आप हमें कमेंट करेंगे। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे जो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।